पीएनबी घोटाले के आरोपी और भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को भारत लाने का इंतजार थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसमें सवाल उठ रहा है कि वो हनी ट्रैप में फंसा या फिर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ किसी रोमांटिक ट्रिप में। उसकी गिरफ्तारी में कई थ्योरी सामने आ रही है, उन सारी थ्योरीज की पड़ताल करती हमारी खास रिपोर्ट देखिए। क्या गर्लफ्रेंड के चक्कर में फंस गया घोटालेबाज चौकसी? 13,500 करोड़ के घोटालेबाज को क्या रोमांटिक डिनर का ख्वाब ले डूबा? क्या हनी ट्रैप का शिकार हुआ हिंदुस्तान का पैसा लेकर भागने वाला मेहुल चौकसी? तो शुरुआत मेहुल चौकसी के फंसने की कहानी से, जिसमें अलग अलग मीडिया के मुताबिक अलग अलग कहानियां सामने आ रही है। थ्योरी नंबर एक, पंजाब नेशनल बैंक को हजारों करोड़ का चूना लगाने वाले मेहुल चौकसी को क्या उसका रसिया स्वभाव ही ने डूबा? ऐसी खबर आ रही है कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वो स्पेशल टाइम बिताने के लिए डोमिनिका गया था, जहां उसे धर दबोचा गया। Mihal Choksi may have made a mistake to travel to Dominica. The information that we're getting now is that he may have taken his girlfriend to Dominica, probably to dinner to have a good time and so on, and got caught. पिछले तीन सालों से भारतीय जांच एजेंसियां 14,000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी को पकड़ने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन मेहुल चौकसी अपनी शातिर चालों की वजह से बचता जा रहा था, लेकिन अब वो एक बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। कभी करोड़ों रुपए में खेलने वाला मेहुल चौकसी फिलहाल डोमिनिका की जेल में बंद है। इस सबके बीच सवाल उठ रहा है कि क्या मेहुल चौकसी अपनी गलतियों की वजह से फंसा या फंसाया गया। थ्योरी नंबर दो, पहली थ्योरी से ही दूसरी थ्योरी भी जुड़ी है। क्या चौकसी जिसे अपनी गर्लफ्रेंड समझता था वो गर्लफ्रेंड ना होकर कोई मिस्ट्री गर्ल है जिसके जरिए चौकसी को हनी ट्रैप किया गया? ये साफ है, महिला से मिलने के लिए चौकसी अपने बिल से बाहर निकला, लेकिन क्या हनी ट्रैप में फंसाया गया? जवाब में चौकसी के वकील विजय अग्रवाल को सुनिए, जिन्होंने एबीपी न्यूज से बात की। एक लेडी वहाँ पर पहले रहने लगी, पास में आके उन जहाँ पे वो रहते थे उसी कॉम्प्लेक्स में, और थोड़ी सी जान पहचान बढ़ाई वॉक्स वगैरह पे, और फिर वो मरीना की आसपास शिफ्ट हो गई। और एक बारी जब मेहुल चौकसी जी उस दिन पहुँचे वहाँ पर, तो उन्होंने एक मिनट के लिए उन्हें कहा कि आप यहाँ आइए। वहाँ पे जब उनके घर के बाहर वो पहुँचे तो वहाँ पर काफ़ी सारी लोग ऑलरेडी थे, उन्होंने उनको इमिडिएटली अबडक्ट किया, वहाँ से याच पे डाला और उनको डोमिनिका ले गए। थ्योरी नंबर तीन, इस बीच कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जिसमें चौकसी के चेहरे और बदन पर चोट दिखाई दे रही है, आँख के पास और हाथ पर भी चोट के निशान है। वकील विजय अग्रवाल आरोप लगा रहे हैं ये तस्वीरें साजिश की तरफ इशारा कर रही हैं। उनकी पूरी आंख में से ब्लड निकल रहा है, पूरे बदन पे चोटें हैं, वो देख के पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिकल शॉक है। उस आदमी का पूरा जबड़ा नहीं खुल सकता है, वो तो बहुत ही ब्रूटली ऑपरेशन किया गया कि उठा के ले जाएं और ये कर लें। तो ये तो कभी हमने सुना है जैसे वो जो CIA और मोसाद बनने की कोशिश की जा रही है, जबकि कर नहीं पाए लोग। थ्योरी नंबर चार, वकील विजय अग्रवाल का दावा है कि चौकसी को एंटीगुआ बारबुडा से किडनैप किया गया। सवाल यह है कि क्या किसी ऑपरेशन के तहत जाल बिछाया गया, क्योंकि अब एंटीगुआ के PM ही चौकसी से मुंह मोड़ते नजर आ रहे हैं। Now in the case of Dominica, the issue of extradition does not arise. It is an issue of a deportation because he's in the country illegally. He has no status in the country and therefore has no constitutional or legal protection. So or legal protections. So the Dominican government has a free hand to act. Dominica और एंटीगुआ बारबुडा आसपास के द्वीप हैं। दोनों के बीच करीब 190 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन मेहुल पर लागू कानून के मामले में दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। 23 मई की शाम को मेहुल चौकसी एंटीगुआ बारबुडा से बाहर हो गया था, 26 मई को चौकसी को डोमिनिका से पकड़ा गया। चौकसी गैर कानूनी रूप से गया क्योंकि पकड़े जाते वक्त उसके पास पासपोर्ट नहीं था। डोमिनिका में पकड़े जाते वक्त अब एंटीगुआ का कानून उस पर नहीं चलेगा। अब डोमिनिका के सामने सवाल है कि वो चौकसी को कहां भेजे, भारत या एंटीगुआ। मेहुल चौकसी हीरा कारोबारी नीरव मोदी का मामा है और ज्वेलरी की दुनिया का बड़ा नाम। मेहुल चौकसी ने गीतांजलि ग्रुप और गीतांजलि जेम्स के कारोबार को दुनिया भर में पहुंचाया, लेकिन सामने आया कि जालसाजी से पंजाब नेशनल बैंक से हजारों करोड़ लिए, जिसके बाद ED और CBI मामले की जांच कर रही है, लेकिन दोनों गिरफ्तारी से बचते फिर रहे हैं। तो इस वक्त की अहम खबर आप जान लीजिए, जो कि मेहुल चौकसी से ही जुड़ी हुई है। इस मामले में कैरेबियाई सियासत में भी तूफान ला दिया है। एंटीगा में सत्तारूढ़ लेबर पार्टी और विपक्षी यूनाइटेड प्रोग्रेसिव पार्टी के बीच तीखे आरोपों का दौर जारी है। एंटीगा के PM गेस्टन ब्राउन ने ताजा रेडियो इंटरव्यू में कहा है कि मेहुल चौकसी के वकील विपक्षी पार्टी UPP के समर्थक हैं।
पीएम ब्राउन ने कहा कि एंटीगा में मेहुल के वकील जस्टिन साइमन क्यूसी का रिश्ता विपक्षी पार्टी यूपीपी से है, तो वहीं डोमिनिका में उसके वकील विन मार्श का संबंध भी यूपीपी पार्टी से ही है। दूसरी तरफ डोमिनिका में विपक्ष के नेता लेनॉक्स लिंटन ने प्रधानमंत्री रोजवेल्ट स्केरिक की सरकार को आड़े हाथों लेते हुए मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। तो मेहुल चोकसी की भारत वापसी पर प्रत्यर्पण को लेकर अभी भी संशय के बादल मंडरा रहे हैं। तो इस पूरे मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर हमने आपको बताई। मेहुल चोकसी को लेकर मशहूर अर्थशास्त्री शंकर अय्यर ने एक दिलचस्प ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है, एंटीगा और बारबुडा की जीडीपी $1.6 बिलियन है, डोमिनिका की जीडीपी $600 मिलियन है, जबकि पीएनबी का स्कैम ही $1.8 बिलियन है। तो अर्थशास्त्री है शंकर अय्यर, जिन्होंने इस पूरे मामले को लेकर ये ट्वीट किया है कि किस तरह से उन्होंने जो एक कंपैरिजन ड्रॉ किया है यहाँ पर कि एंटीगा और बारबुडा की जीडीपी $1.6 बिलियन है, डोमिनिका की जीडीपी $600 मिलियन है, जबकि पीएनबी का पूरा स्कैम ही $1.8 बिलियन का। दोनों देशों की जीडीपी से ज्यादा बड़ा घोटाला मेहुल चौकसी ने कर दिया है, बहुत बड़ा तंज यहाँ पर शंकर अय्यर का। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।